क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं, और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। चलिए देवी और सज्जनों, एक मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं आगे पढ़ने के लिए। तो अब तक हम वो कर चुके हैं भाई साहब टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके बाद हम कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन आफ्टर अ मिनट, और अब आगे फिर पढ़ते हैं। और कितनी देर हो गई हमारी क्लास चलते हुए? काफी टाइम हो गया है मुझे लगता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे तो कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। बस क्या याद रखना है, मैंने बोल दिया समय कम हो। ठीक है, समय कम हो तो क्या करना है, समय कम हो तो क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है डायरेक्ट, रीड क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, सीधे सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद यू विल फाइंड सम कीवर्ड्स इन योर क्वेश्चन, राइट दोज कीवर्ड्स समवेयर इन माइंड। ठीक है, कीवर्ड्स, और फिर उन कीवर्ड्स को सर्च करिए अपने आंसर में। जनरली जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो शुरू की पांच लाइनों में मिल जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन लास्ट की पांच लाइनों में मिलते हैं, और बीच वाले क्वेश्चन बीच में मिलते हैं, उनमें थोड़ा सा समय लगता है, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है कि समय कम हो तो ऐसा कर लें, और डायरेक्ट उस कीवर्ड वाली लाइन को पढ़ें, और एक लाइन उससे पहले वाली, एक लाइन उसके बाद वाली को पढ़ लें, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि सही डायरेक्शन में तो पढ़ा है। ठीक है, ओके भाई, ओके। ये चैप्टर ओवर। इसके बाद आपका अगला चैप्टर था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमने बड़े अच्छे से किया था भाई, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मॉडल, और वो मॉडल किसने दिया था ये भी हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जनरल मॉडल था अपना, सेंडर रहता है, रिसीवर रहता है, बीच में क्या होता है आपका मैसेज होना जरूरी है। मैसेज को भाई फिर आप कोडिंग वोडिंग करके, कोडिंग को बोल देते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट, और वो करके आप किसी चैनल के द्वारा उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट को कोडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, यस, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ मॉडल दिए हुए हैं, ये स्क्रैम भाई साहब ने मॉडल दिया था, हालांकि स्क्रैम मॉडल से पता नहीं क्वेश्चन शायद आया ही नहीं है कभी। शैनन और वीवन इंफॉर्मेशन मॉडल से शायद क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपका एक सोर्स रहता है, एक डेस्टिनेशन रहता है, बीच में ट्रांसमीटर रहता है, रिसीवर रहता है इधर। ठीक है, और बीच में होती है नॉइस, ये बात सबको पता ही है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रेटोरिकल। रेटोरिकल क्या होता है, द प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ डिस्कोर्स, माने प्रैक्टिकली जो एक आर्ट होती है, मतलब कला होती है ना, आप अपने मैसेज को कैसे आगे तक पहुंचाएंगे, ये अपने आप में कला है कि नहीं है बताओ, उसी को रेटोरिकल कह देते हैं। तो सेमियोटिक में क्या होता है, साइन होते हैं। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल में क्या होता है, डायलॉग होते हैं। साइबरनेटिक्स क्या होता है, मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, साइबरनेटिक्स पूछता है, साइबरनेटिक्स क्या है। ठीक है, सो साइबरनेटिक्स क्या है, आपका मेन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, साइबरनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी शायद ये आ जाए आपका साइबरनेटिक्स। चलिए तो क्वेश्चन ही करा देंगे इसके हम डायरेक्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन में तो क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। नॉइस आप, हाँ ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, चेन से, व्हील से, सर्कल से, और ऑल चैनल से। यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन कैसा आता है बता देता हूँ, आपको एक एग्जांपल देगा। ठीक है, एग्जांपल देगा,
कम्युनिकेशन का, और पूछेगा कि भैया कौन से वाला टाइप है ये। अगर बोल दे कि सारे लोग एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग एक ही बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा वाला हो जाएगा? व्हील हो जाएगा। याद रहेगा, व्हील को ही स्टार भी बोल देते हैं, इसी को स्टार टाइप भी बोल देते हैं, याद रहेगा। ये सर्कल को रिंग टाइप भी बोल देते हैं, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए मूव ऑन करते हैं, कहीं कुछ अच्छा लिखेगा तो हम बताएंगे। तो ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था, अभी रिसेंटली पढ़ा ही था। बर्लो मॉडल भी था ना, बर्लो मॉडल याद रहेगा भाई, सिंपल वाला जो मॉडल था वो बर्लो ने दिया था। ठीक है, क्लास में अच्छे से डिस्कस हुआ था। कम्युनिकेशन के बैरियर हमें पता ही है, कम्युनिकेशन की वीडियो भी हमारे पास है ही। देखो लो, बर्लो मॉडल से क्वेश्चन आ गया, बर्लो का लीनियर मॉडल। चौथा क्वेश्चन जल्दी से कर दो, जवाब दे दो भाई, बड़ा इजी है ये तो। ठीक है, हाँ सबने जवाब दे दिया, बी, वेरी गुड, सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी कर दो फिर, नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ। तो ये बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्व्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही एक दूसरे को जानते हैं, ये बात किसने बोली थी? देखो लोगों की कही हुई बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। महान व्यक्ति कोई बात कह दे तो उनकी कही हुई बात किताबों में लिख दी जाती है और आने वाली जनरेशन को याद करनी पड़ती है कि कौन क्या बोल के चला गया। ठीक, तो बताइए भाई साहब, पांचवा क्वेश्चन। जीएच मीड, ठीक है, तो जिसने भी किसी ने ना बताया, सब गांधी के पीछे पड़ गए होंगे, पता है मुझे, पता है मुझे, पता है, पता है। तो ठीक है, गांधी जी के पीछे मत पड़ो भाई, गांधी जी ने जो है सिंपल बातें करी थी। कम्युनिकेशन के लिए पूरा पूरा फोकस जीएच मीड साहब कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, तो जीएच मीड साहब कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को सिर्फ कम्युनिकेशन से जानते हैं। महात्मा गांधी जी तो स्पिरिचुअल आदमी थे, वो तो बिना कम्युनिकेशन के भी कम्युनिकेशन कर लिया करते। ठीक है, चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन जो मुझे ठीक लग रहा है समझने के लिए वो ये रहा, 14th क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। जल्दी से बता दो, आगे बढ़ेंगे। गलत जवाब कौन दे रही है? कहाँ को गलत दे रहे हैं मेरे भाई? डायडिक, क्या बताया नहीं था? डायडिक कम्युनिकेशन, दो लोग जहां पे हो, डायडिक। ठीक है, एनकोडिंग, एनकोडिंग मत करो, एनकोडिंग आएगा तो डिकोडिंग कहाँ जाएगा? दो लोगों के बीच में एनकोडिंग हो रही है तो डिकोडिंग ही होगी, फिर तो ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। लेकिन दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डायडिक बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी, इतना ज्यादा इवेल्युएट करने लग गए, क्रिटिकल इवेल्युएशन मत किया करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ही चला करो। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आ गया भाई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल भी है इंपॉर्टेंट भी है। बताइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एसेंस, यानी कि उसका निचोड़, उसकी जो पूरी सुगंधी है वो किस चीज में है? बताओ, मैसेज में है, एनकोडिंग में है, डिकोडिंग में है, फीडबैक में है? हाँ, तो ये सबने सही जवाब दिया है, फीडबैक में है। यदि फीडबैक आ गया तो समझ लो सामने वाले तक ठीक मैसेज पहुंच गया है। ठीक है, तो फीडबैक अच्छा होना चाहिए, जैसा जैसे कि अभी आप लोगों का फीडबैक मेरे तक आ रहा है, यानी कि आप सबने भी जवाब दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, यानी कि मेरा कम्युनिकेशन बड़ा बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना? तो अगर फीडबैक अच्छा हो तो सब अच्छा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, बस यही बात होती है कम्युनिकेशन में, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, वर्ड्स कोनोटेटिव होते हैं, डिनोटेटिव होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। तो देखो, वर्ड्स कभी अननेसेसरी तो होते नहीं, सिंबल्स भी नहीं होते। अब कोनोटेटिव और डिनोटेटिव में से जल्दी जवाब दे दो, मैंने डिफरेंस भी बताया था, कोनोटेटिव कौन से होते हैं और डिनोटेटिव कौन से होते हैं, जल्दी बताओ भाई।
कॉनोटेटिव, डिनोटेटिव, वर्ड्स आर सिंबल्स, कोई नहीं बोल रहा। तो देखिए, चलो बहकावे में मत आया करो, अब ध्यान से देखो। हमने कोनोटेटिव और डिनोटेटिव आप लोगों को समझाया। कोनोटेटिव कौन से होते हैं जल्दी से बताओ भाई, पहले कोनोटेटिव कौन से होते हैं और डिनोटेटिव कौन से होते हैं, दोनों का डिफरेंस बताइए पहले। चलो सबसे पहले कोनोटेटिव बताओ, कोनोटेटिव कौन से होते हैं। जैसे हमने कहा होम, तो होम का मतलब एक होता है प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग, और दूसरा होम का मतलब होता है होम सुनते ही आपको आपके घर की शक्ल याद आई, ठीक है, और आपको लगा कि प्लेस ऑफ पीस, होम कहते ही आपको समझ में आया पीस, होम कहते ही आपको समझ में आया फैमिली, आपने कहा वेयर फैमिली लिव्स, ठीक है, आपने कहा कि होम इज द प्लेस वेयर फैमिली लिव्स, ठीक है, वेयर माई फैमिली लिव्स या वेयर फैमिली लिव्स, ठीक है। तो बताओ कॉनोटेटिव कौन सा है, वो कौन सा है। ये पहले वाला कौन सा है, प्लेस ऑफ लिविंग कौन सा है, प्लेस ऑफ लिविंग कॉनोटेटिव है कि डिनोटेटिव है। शाब्दिक अर्थ जल्दी से बताएंगे। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। बताओ भाई बताओ, सबका जवाब नहीं आ रहा। कोनोटेटिव डिनोटेटिव, हम पढ़ रहे थे कोनोटेटिव डिनोटेटिव। तो यहाँ पे देखिए, कोनोटेटिव का मतलब हमने समझ लिया, डिनोटेटिव का मतलब समझ लिया। तो यहाँ पे तो सिंपल वर्ड्स का ही पूछ रहा है ना कि भैया वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड्स तो जस्ट सिंबल होते हैं, ठीक है, बात समझ आई सबको। वर्ड्स तो सिर्फ सिंबल होते हैं, कोनोटेटिव और डिनोटेटिव तो बाद में होंगे, बात समझ आई। वेयर आर पीपल, यस नो, दोबारा समझाऊं, वर्ड कोनोटेटिव होंगे। ओके ओके, मैं दोबारा समझाता हूं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो भाई, कोनोटेटिव वो होते हैं जिनमें हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है, और डेनोटेटिव वो होते हैं जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है, जो वो डिनोट करते हैं। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, कोनोटेटिव भी और डेनोटेटिव भी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर तो सीधा बोल रहा है कि वर्ड्स आर। तो जब ऐसी बात कह रहा है तो वर्ड्स आर सिंबल्स, वर्ड सिर्फ सिंबल होते हैं, कोनोटेटिव और डिनोटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, यहाँ पे तो सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहा है, इसने ये नहीं बताया कि कौन से वर्ड्स, ठीक है, कौन से वर्ड्स नहीं बताया। तो वर्ड्स आर जस्ट सिंबल्स, ये बात है। मैंने शुरू में सी और डी दोनों आप लोगों को मना कर दिया था कि अननेसेसरी नहीं होते, सिंबल नहीं होते, तो आप लोग मेरे झांसे में आ गए, तो भैया अटेंटिव रहो, ये बात थी, ठीक है। मैं कई देर से समझा रहा था बट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई थिंक मेरी बात आप लोग सुन ही नहीं पाए थे, ठीक है, समझ आया सबको, क्लियर, यस क्लियर, ओके। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स की बात हो रही है, तो वर्ड्स आर जस्ट सिंबल्स, राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला ले लेते हैं, ब्लू, चलिए जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कोई पुराना क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, क्योंकि रिपीट बहुत कम करता है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में खैर रिपीट हो जाए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे भाई, मूवमेंट्स ऑफ द फेस, आपके फेस मूवमेंट्स क्या कन्वे करते हैं, इमोशनल फीलिंग्स, दैट कन्वे इमोशनल फीलिंग्स, जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस इमोशनल भावनाओं को दिखाते हैं, जैसे आंखों में पानी आ गया तो
समझ जाते लोग की कैसे। तो आई की जो है मतलब आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उनको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी से जवाब देंगे भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी मत दो रे बाबा। एम्बलेम एम्बलेम कुछ नहीं होते, एम्बलेम तो वो भारत सरकार का एम्बलेम होता है, वो जिसमें शेर शेर बैठे रहते हैं, ठीक है। समझ गए। तो ये होते हैं डिस्प्लेस, डिस्प्ले है भाई, सीधी स्क्रीन आपके चेहरे पे, जिसका चेहरा जैसा वो तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपकी डिस्प्ले है। तो ठीक है, किसकी डिस्प्ले कैसी होती है पता नहीं लग जाता, एग्जाम के बाद देखो कि डिस्प्ले पता लग जाती है, डिस्प्ले से ही पता हो जाता है भाई सब पेपर कैसा हुआ है। समझ गए आप लोग, तो डिस्प्ले बोलते हैं इसको। चलिए भाई 68 जल्दी से करेंगे। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज, इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन के पॉइंट रहते हैं और इनकी इंटरकनेक्टेड सीरीज रहती है, तो जल्दी से बता दीजिए ऐसे मीडिया को क्या बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, नेटवर्क में है कि नहीं है बताओ, इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। एक ये भी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए और हमने इन दोनों को चेन्स को भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया सब, इंटरकनेक्टेड तो नेटवर्क मीडिया। समझ गए, सबका आंसर सही, ए जो भी बोला वो सही, मल्टीमीडिया जो बोला वो गलत। मल्टीमीडिया में क्या होता है, हम तीन चार मीडिया एक साथ यूज करते हैं उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। जैसे आप ऑडियो भी यूज करो, वीडियो भी यूज करो, ठीक है, वो लिखित में भी यूज करो, रिटन भी यूज करो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। बात समझ गए। और नेटवर्क यहाँ पे तो इंटरकनेक्टेड का मतलब ही नेटवर्क होता है यार, देखते ही समझ जाए करो। आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होता है, 77। देखो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके एग्जाम में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा, लिखवा लो लिखवा लो, आज तो लिखवा लो, कल पेपर होने वाला है ना, आज लिखवा लो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है आपके योग वाले में ना आए, किसी और पेपर में आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, 77th का आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो जिसने भी शेकिंग हैंड बोला, डी बोला, सबने बोला, सबका सही है, ठीक है, तो एवरीबडी इज राइट। ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप लिखित और ओरल दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। बात समझ आई भाई। एक क्वेश्चन और, अनदर टर्म यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, जल्दी से बता दो रे, जल्दी लिख दो। ठीक है, डायटिक अभी पढ़ाया था ऊपर, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू, अब ये मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कल एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो क्लास को छोड़ने की बारे में ना सोचे। तो फिजियोलॉजिकल नॉइस कौन सी है, अरे क्लास में कितने आराम से पढ़ाया था, फिजियोलॉजिकल आपके शरीर में कोई दिक्कत है रही हो फंक्शनल, तो वो फिजियोलॉजिकल नॉइस हो जाएगी। समझ गए, तो फिजियोलॉजिकल नॉइस सी कौन कह रही है, फिजियोलॉजिकल नॉइस, फिजियोलॉजी भाई शरीर की, भूख प्यास। समझ गए, हाँ पल्लवी जी बिल्कुल सही, बाकी लोग क्या जल्दबाजी मचा रखी है रे, ऊपर वाले का आंसर तो नहीं था सी, मैं चेक कर लूं। अच्छा ठीक है, ऊपर वाले के संदर्भ में बोला था, कोई बात नहीं, फिर तो सही है। तो समझ गए, फिजियोलॉजिकल आपकी कौन सी होती है, जैसे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, साक्षी जी समझ गए, बिल्कुल विद्वान है आप, जेरफ वाले हैं। पूरा भरोसा है मुझे, आप जेरफ कर लोगे, ठीक है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आपके क्लासरूम के कौन बेस्ट मैनेज कर सकता है, जल्दी से बता दीजिए। 104,
क्वेश्चन नंबर 104 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या है साइकोलॉजिकल तो कौन मैनेज करेगा सबसे बेस्ट, बताओ बताओ। ठीक है, कल पेपर के बाद डिस्प्ले बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इससे आपको डिस्प्ले तो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। तो ये आएगा भाई साहब क्लास टीचर, क्यों? क्योंकि आपका क्लास टीचर ही आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है। प्रिंसिपल से तो कभी कभी मिलना होगा, स्टूडेंट खुद कर लेता तो भाई साहब जरूरत ही क्या पड़ती। सब्जेक्ट टीचर क्या बताएगा, क्लास टीचर को सारे सब्जेक्ट्स का पता होता है। ठीक है, समझ गए। ओके, सो ये एक और क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन हैज, ये वर्ड ना काफी पॉपुलर है, सिंटेक्टिक तो आ जाता है कभी, इन इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने बस जवाब देना है, ए पर्सन हैज वेरी एडवांस्ड सेंस ऑफ व्हाट इज सोशली अप्रोप्रिएट एंड ओनली नोज व्हाट टू से इन एवरी सोशल कंटेक्स्ट। मतलब नेतागिरी वाला आदमी है, इसको सब पता है कि कौन सी पब्लिक में क्या बात कहनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, अच्छे से पता है, बहुत सोशल आदमी है। ऐसे आदमी का, दिस पर्सन हैज विच काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटेंस, इसके पास भाषा की कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी कॉम्पिटेंस है। तो ये चार कॉम्पिटेंस है, चारों भाषा की है, बताओ कौन सा गुण उसके अंदर सबसे ज्यादा है। 120, कोई कॉल कर रहा है मुझे, मैं एक डिक्लाइन ही कर देता हूँ, ऐसे कैसे कॉल। चलो हाँ, तो 120 का बताएंगे भाई, 120, 120। जवाब दिया सबने, नो आइडिया। अरे ये होता है भैया बहुत प्रेग्मेटिक, ठीक, प्रैक्टिकल आदमी है ये, इसको सब पता है। ठीक है, अमाउ जैसो प्रेग्मेटिक है, कहाँ क्या बोलना है। ठीक है, प्रेग्मेटिज्म, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीख गया ये, समझ गए। ठीक है, तो डायनामिक, लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, डायनामिक, तो डायनामिज्म से याद रखेंगे, प्रेग्मेटिज्म, डायनामिज्म, डायनामिक, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर। ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्रैग्मेटिक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, क्लियर, याद हुआ। सी भी तो हो सकता है, सी नहीं हो सकता रे बाबा, सी कैसे हो जाएगा। सिंटेक्टिक क्या होता है बताओ, सिंटेक्टिक, ये वर्ड हमने पढ़ाया था, सिंटेक्स से बना हुआ वर्ड है ये, सिंटेक्स क्या होता है बताओ। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है कि आप जो एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस को अरेंज करना, कैसे दो चार वर्ड्स को एसोसिएट करके मतलब एक सेंटेंस में यूज किया जाता है, समझ गए, कैसे यूज करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, उससे बना है सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स, तो सिंटेक्टिक का मतलब है कौन से वर्ड को कहां, वर्ड के ऊपर बात हो गई। यहाँ पे तो वर्ड की बात नहीं है, स्टेटमेंट्स की बात है, आदमी को ये पता है कहां पर क्या बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, क्या बोलना का पता है, ये बात आगे आएगी, ये पीछे आएगी, ये समझ गए, वर्ड्स का अरेंजमेंट कहाँ होगा, वो हो गया आपका सिंटेक्टिक। लेकिन प्रैग्मेटिक होता है वो इंसान, ठीक है, ए पर्सन इज हैविंग दैट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, तो प्रेग्मेटिज्म, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, क्लियर, अरेंजमेंट, हाँ समझ गए ना। ठीक है, चलिए, ओके जी, ओके, क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, ये वाला, ये भी कर दो,
127 करो पहले, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन, दो टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग वाले में स्टोरीज कैसी होती हैं? स्टैटिक होती हैं, इंटरेक्टिव होती हैं, डायनामिक होती हैं, एक्सप्लोरेटरी होती हैं, कैसी होती है भाई, जल्दी बताओ। एनालॉग में स्टैटिक रहेंगी, ठीक है? तो मनीषा जी सबसे पहले जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, स्टैटिक रहेंगी स्टोरी आपकी, एनालॉग मोनोटोनस, एक ही धुन में रेडियो पे चलता रहेगा मामला, कहानी चलती रहेगी, सुनते रहो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विद, मोटिवेट, सपोर्ट अदर पीपल, ठीक है, बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। बताओ भैया, इजी है, इजी है, लेकिन गलत करके आओगे, ये भी पता है मुझे। इजी होता है, इसीलिए गलत होने के चांस रहते हैं। नारे बाबा, डी और सी नहीं आएगा, ये आएगा, सॉफ्ट स्किल है आपकी, ठीक है? कम्युनिकेशन आपकी क्या है? सॉफ्ट स्किल है, बस ये बात याद रखो, आपका गुड कम्युनिकेशन इज योर सॉफ्ट स्किल, है कि नहीं? आपकी सॉफ्ट स्किल है कि नहीं है, बताओ, उसी का ये पार्ट है भाई। कम्युनिकेशन अच्छा होना आपकी सॉफ्ट स्किल है, समझ गए? याद रहेगा सबको। हाँ, तो ये भी वही चीज बोल रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छा है, मोटिवेट कर पाता है, दूसरों को सपोर्ट कर पाता है, ये है वो है, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई। पॉलिटिकल स्किल्स तो होती हैं कि आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है, उसमें तो सॉफ्ट स्किल्स एड ऑन होती है, पॉलिटिकल आदमी को सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है सॉफ्ट स्किल्स वाला आदमी पॉलिटिकल हो, ना भी हो भाई, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल अच्छी हो, है ना? एपीजे अब्दुल कलाम पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, लेकिन सॉफ्ट स्किल बड़ी अच्छी थी, पॉलिटिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे, अपने विषय का बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे, एजुकेशन का बहुत रखते थे, बात समझ आई? अब आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग, चलिए भाई रीजनिंग में आ गए, 8 बजने वाले हैं हमारे, 4 घंटे तो यहीं पूरे हो जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चंस पे, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, डायरेक्शन सेंस कहाँ से आ गया, थेमेटिकल रीजनिंग है क्या ये? हाँ वही आता है पहले, तो मैं थेमेटिकल रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस तो सबने कर लिया है, बड़ा इजी है, और मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट इनमें से कुछ कराने की आवश्यकता है, डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे, चलो चले, ठीक है, कि एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं ना, कहीं कहीं एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हीं से ही हम समझ लेते हैं। जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, एज इनकम इज 70% ऑफ बीज, बी की इनकम इज 50% ऑफ सी, सी की इनकम इज 1 लाख, जल्दी से बता दो कि ए की इनकम क्या है, इसमें कौन सा बड़ा बात था भाई? सी की इनकम दी हुई है, ठीक है, और बी की इनकम बता रहे सी की 50%, सी की 1 लाख है, तो इसकी कितनी हो गई, बी की कितनी हो गई, 50,000 हो गई, कौन सी बड़ी बात है? वैसे ही देख के ही समझ में आ रहा है, निकालने की क्या जरूरत थी, हट मत निकाल मेरे भाई, वैसे ही समझ जाते हैं हम। और इसका 70% किसकी इनकम है, बी की, मतलब ए की, तो बी की इनकम है 50,000, इसका 70% किसका है, तो 70% का मतलब है 7 से गुणा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 7 5 35, तो जहां भी 35 दिख जाए कर देना टिक, 35,000, बात खत्म, हो गया भाई, समझ गए? हाँ, तो ऐसे परसेंटेज वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये हमने आपको बताया ही था, फ्रैक्शन में डिनोट करना हो 12% को तो क्या लिख देंगे, 12/100, अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3/25 आ जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3/8 को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज में बदलना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100, दिया हो तो अपॉन 100, कोई इशू नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सीपीएसपी वाले कुछ फॉर्मूले थे, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है, लॉस परसेंट निकालना हो तो यहाँ पे पी की जगह पे एल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, एसपी डायरेक्ट निकालना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हो तो ऐसे कर लो, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट,
ठीक है, और अपॉन में 100 और इनटू में हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, तो ये दोनों भी क्लियर, ये दोनों भी क्लियर। ठीक है, अब सीपी निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो इसी का उल्टा कर लेंगे। देखो ये जैसा है ना, इसी का उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, सीपी इज इक्वल टू 100 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस हो तो माइनस लॉस परसेंट इनटू में एसपी आ जाएगा। इस बार बात समझ आई थी नहीं, एक ही फार्मूला है, इसी को रिफॉर्मेट करके ऐसे बना दिया है। बात समझ गए आप लोग, कितना इजी है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़े, याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टचक। 3 सेकंड का समय, 1 2 3, मैं बढ़ा आगे। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये रहा। जैसे बोल रहा है कि भाई साहब एक आदमी है, 8% का लॉस है, आपने सीधे सीधे पढ़ना है, कहानी पढ़नी ही नहीं है, सीधा पढ़ना है, 8% का लॉस है। ठीक है, तो कितने रुपए, इफ ही रिसीव्ड 1800, रिसीव्ड 1800 मतलब एसपी 1800 हो गया। ठीक है, 1800 मोर, मोर का मतलब हो गया भैया क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाता। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ आ जाएगी ना। तो चलिए, कह रहा है कि उसको लॉस हो रहा है भाई साहब किसी आइटम को बेचने पे कितना, 8%। यदि 8% लॉस में उसको 1800 रुपये और जोड़ दें, अगर 1800 रुपये उसको ज्यादा मिले होते तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाता, 141/2% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, कॉस्ट पूछ रहा है तो कौन सी दिक्कत वाली बात है। सीपी क्या होता है, डिफरेंस इन एसपी अपॉन परसेंटेज डिफरेंस इन प्रॉफिट, बस उसी को सीधे सीधे रख दिया, सीपी निकाल रहे हैं। डिफरेंस कितना है भाई, 1800 है ना, दोनों के जो एसपी है, एक एसपी जो उसने पहले बेचा उस पे 8% लॉस था, दूसरे पे यदि वो बेचेगा तो कितना उसको, 1800 रुपये मतलब और होने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 14.5 माइनस माइनस 8, तो ये इसको इसको सोल्व कर लिया होगा इसने। ठीक, इसको 2 करके देख लो भाई, कितना हो गया, 2 7 14, 7 नहीं जा रहा, 70, इसका यूज कहाँ, क्यों नहीं कर रहा। देन ही वुड हैव गेन्ड इतने परसेंट, 14.5, इसको लिखने में दिक्कत हो रही है क्या, ये परसेंट में दिया हुआ है ना, तो परसेंट में दिया है तो 100 भी तो आएगा, समझ गए आप। चलिए, तो इसको बस सोल्व कर लिया, 1800 गुना ये आ गया, 8000 आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि प्रॉफिट से, लॉस से, सीपी से, एसपी से क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमम है, आ भी गया तो एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो जिन लोगों को ये दो छोटे छोटे फार्मूला याद हो गए, वेल एंड गुड, नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रश्न को जय भोलेनाथ बोल करके टिक करके आ जाना। ठीक, क्योंकि अभी ये समझाने का समय नहीं है, मैं आप लोगों को अगर बेसिक समझाने लगूं तो इसका समय नहीं है, समझ गए आप लोग। अब फॉर्मूला है, रट लो, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट से आ सकते हैं ना सर, जय माता दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जय माता दी वाली ट्रिक चलाओ, जिसको मैथ में इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग ये सब नहीं आता, जय माता दी चलाएंगे। इंटरेस्ट से भी जरूरी नहीं है बहन जी, बता रहा हूं मैं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आना इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, आए तो आए, ना तो ना भी आए। और ये भी बता रहे हूं, अगर इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ गया तो सीपीएसपी से नहीं आएगा। ठीक,
और सीपीएसपी से आ गया तो इंटरेस्ट से नहीं आएगा, जनरल पैटर्न यही रहता है, मैंने सारे एग्जाम देख लिए हैं। तो आगे भी हम मॉक टेस्ट करेंगे, वहां पे भी हमको दिखाई दे जाएगी ये बात। बाकी आ जाए तो कौन सी टॉप आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है, PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम और बटे में 100। ठीक है, समझ गए। अब इसको घुमा घुमा के चाहे पी की वैल्यू निकाल लो, आर की निकाल लो, टी की निकाल लो, कौन सा फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला तो सेम ही है, एक ही फॉर्मूले को कितना ही घुमा के यूज करते रहो। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, आप सब लोगों को पता ही है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 की पावर एन। ओके, तो दीज क्वेश्चन आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, दीज क्वेश्चन आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो भैया फॉर्मूला आता है तो कर लोगे, फॉर्मूला इजी है, इसमें तो दो ही फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। सीपीएसपी में भी नॉर्मल आप तरीके से भी निकाल सकते हो, सबको पता ही है, सीपी होता है जिसपे खरीदते हैं, एसपी होता है जिसपे बेचते हैं, प्रॉफिट होता है दोनों के बीच में, अगर ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट है, लॉस है अगर कम में बेचा है तो। ठीक है, परसेंटेज वाले दो फॉर्मूला है, ऊपर मैंने कराई दिए हैं, सो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। कैलेंडर, कैलेंडर जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो अभी के लिए छोड़ दे कैलेंडर को। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे कैलेंडर, क्योंकि इजी नहीं है कैलेंडर समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो कैलेंडर अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मेरे मेरे मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, एक बार, तीन में से एक बार कैलेंडर आया था, दो बार नहीं आया था, तो ये बात भी है। आगे बढ़ेंगे, ये वेन डायग्राम सब लोग कर लेंगे ना भाई, काउ हॉर्स मेमल्स, कौन सी बड़ी बात है, काउ मेमल्स एनिमल किंगडम, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस यूनिट, क्योंकि अच्छे से ये यूनिट हम लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस कराएंगे तो आई थिंक इट विल टेक मच टाइम। डायरेक्शन सेंस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना, डायरेक्शन सेंस, और सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं पूरे एग्जाम में। यदि मैं कह दूं कि 50 में से सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा आता है, तो वो क्वेश्चन आता है डायरेक्शन सेंस का। इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में कोई नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, क्यों, क्योंकि आपका आंसर इसमें क्या होता है, श्योर होता है, आप 100% श्योर होते हैं अपने आंसर पर, और ये क्वेश्चन कोई मुश्किल होता नहीं, आराम से निकल ही जाता है। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन सेंस के, छोड़ना नहीं भाई साहब, डायरेक्शन सेंस का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का भी नहीं छोड़ेगा, ब्लड रिलेशन भी सबसे इजी होता है, उसकी ट्रिक हमने आपको बता दी थी, उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, कोई भी रिलेशन दिया हो उल्टी साइड से चलना शुरू कर दो, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई मैटर ही नहीं है। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला यूज होता है, कोई दो तीन, कोई फार्मूला नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसके अलावा कोई फार्मूला यूज नहीं होता, बात खत्म। स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो तो स्पीड हो जाती है प्लस, जुड़ जाती है। ये बात कैसे याद रखोगे, आप एक ट्रेन में बैठे हो, दूसरी ट्रेन सामने से आई, तुरंत गुजर गई, उससे क्या होगा, स्पीड दोनों की जुड़ गई। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल चल रही हैं दोनों ट्रेन, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, दोनों का जो डिफरेंस है वही बचेगा, इफेक्टिव स्पीड, बात समझ गए। ठीक है भाई, ऐसे ही पानी की धारा में नाव जा रही है तो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि पानी के बहाव के साथ नाव की स्पीड भी ऐड हो जाती है, उल्टा चलेगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ट्रेन और पानी, नाव, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नाव वाला वैसे क्वेश्चन देता नहीं है, 8th क्लास में आते थे, अब तो कौन ही पूछ रहा है, तो ये यूनिट छोड़ देते हैं ऐसे ही, सब करा ही दिया था इस यूनिट में से। और अब आ जाते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग, तो भाई साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग वाली, ये हम लोग, हमने आपको समझाई दी थी बड़े अच्छे से, क्वांटिफायर क्या होता है, ऑल सम ये सब क्या होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, इनके जस्ट बाद जो आता है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहता है सब्जेक्ट, जो कहा जाए प्रेडिकेट, और बीच में जो आ रहा है वो कोपुला। ठीक है,
ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो नहीं करेंगे। वॉन्ट वेस्ट टाइम ओवर ऑल दीज थिंग्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वहीं जाके रुकेगी हमारी गाड़ी। ए आई ओ टाइप को हमेशा याद रख लेंगे। ए टाइप होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ई टाइप होता है नो चेयर आर टेबल्स, नो कतई मना कर दे, वो क्या होता है यूनिवर्सल नेगेटिव या ई टाइप। आई टाइप कौन सा होता है, सम वाला, सम वाला। और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये ओ टाइप वाला कौन सा था, सम नोट वाला, सम भी और साथ में नोट भी, ठीक है। तो ए ई आई ओ सबको याद रहेगा, ए ई आई ओ। आया ओ, आया ओ कौन सी मूवी है यार, वो आया ओ करता ही रहता है, ठीक है। गोलमाल, हाँ ठीक है, आया ओ। तो यहाँ देखो यूनिवर्सल पॉजिटिव का ये देख लो भाई, ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, अरे अरे अरे, हाँ ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है। ए प्लस ई हो तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कर देगा भाई, नेगेटिव इंसान तो नेगेटिव ही कर देगा, पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव ही कर देगा। बात समझ आई, ठीक है। अब देखो ये बड़े के साथ में छोटा आ गया, छुटका आ गया, तो छुटका करेगा डोमिनेट, आई करेगा डोमिनेट, ठीक है। इन दोनों के साथ में भी देखो, ये छोटा भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, तो छोटा भी डोमिनेट करेगा, नेगेटिव भी डोमिनेट करेगा, यानी कि सम नोट, ठीक है, सम नोट। और यहाँ पे छुटका आ गया, दोनों पॉजिटिव है लेकिन छुटका डोमिनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे सम। ओके, यहाँ पे नेगेटिव आ गया बड़े के साथ में, दोनों बड़े हैं लेकिन नेगेटिव आ गया, तो बिल्कुल नेगेटिव कर देगा, नोट। ये भाई साहब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं, ऑल रहेगा। और यहाँ पे इन दोनों स्पेशल केसेस में आपने रखना है ध्यान, ई अगर पहले हो, ई अगर पहले हो तो भैया ऑर्डर हो जाएगा चेंज, ऑर्डर विल चेंज, ठीक है। नेगेटिव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, नेगेटिव तो करेगा ही करेगा, लेकिन ऑर्डर को भी साथ साथ कर देगा चेंज, तो उसको कहेंगे ओ स्टार कंडीशन। यानी कि सम नोट रहेगा लेकिन सम नोट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर हो जाएगा चेंज। बात समझ आई, ठीक है। क्लास में कराया था मैंने, याद है ना भाई, जैसे ऊपर दिखाता हूँ अभी, कुछ था एग्जाम्पल दिख रहा था मुझे, कहाँ गए, नीचे आओ, सम नोट, सम सरप्राइजेज आर मूवीज, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये तो हो गया आई का एग्जाम्पल। सम सरप्राइजेज आर नोट मूवीज, सम सरप्राइजेज आर नोट मूवीज, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ओ का। तो ओ स्टार का एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से बता दो, टाइप कर दो भाई, सम सरप्राइजेज आर नोट मूवीज, ये ओ का एग्जाम्पल है। ओ स्टार का एग्जाम्पल क्या होगा, सम, तो ये दोनों हो जाएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्सचेंज, ठीक है। तो ये बनेगा सम मूवीज आर नॉट सरप्राइजेस, ठीक है, नॉट सरप्राइजेस, समझ में आया। चलिए, हाँ समझ गए ना, ना समझ में आया तो तुरंत बोल देना भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा, अपने को टेंशन ना है। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो, क्या कर लो, लिखवा लो, क्वेश्चन आएगा। दो ये टेबल याद कर ली तो दो नंबर पक्के, ठीक है भाई। यहाँ होता है आपका ए, और ए का दुश्मन, ए का कॉन्ट्रारी कौन होता है, ई, ए का दुश्मन होता है ई, ये कहता है ऑल पॉजिटिव, ये कहता है ऑल नेगेटिव, दुश्मन हो गए, इनको बोलेंगे कॉन्ट्रारी, ठीक है। अब देखो इसका छोटा भाई कौन है, ऑल का छोटा भाई है सम, उसको कहते हैं आई, तो इसको बोलेंगे सब अल्टरन, ठीक है, छोटा अल्टरनेट है, छोटा अल्टरनेट है, समझ गए। इसका छोटा अल्टरनेट कौन है, नोट वाले का सम नोट, सम नोट को कहते हैं ओ, तो ये छोटा भाई, छोटा भाई को कहते हैं सब अल्टरनेट, ठीक है, छोटा अल्टरनेट है भाई इसका। अब देखो ये दोनों है दुश्मन, दुश्मन को कहते हैं कॉन्ट्रारी, तो ये भी तो दुश्मन है, ये छोटे दुश्मन है, छोटे दुश्मन को क्या बोलेंगे, सब कॉन्ट्रारी,
सब कॉन्ट्रारी, समझ गए? और भैया जो बिल्कुल अब डायगनली अपोजिट है वो सब क्या हुए, क्या हुए? कॉन्ट्रा डिक्टरी, ठीक है, डायगनली अपोजिट को बोलेंगे कॉन्ट्रा डिक्टरी। तो याद रहेगा सबको, इजी, इससे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा, समझ गए? कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। इसको याद रखने का फॉर्मूला अभी अभी बता दिया है कि ए और ई है दुश्मन यानी कॉन्ट्रारी, ए का छोटा बेटा है सबाल्टर्न आई, ई का छोटा बेटा है ओ सबाल्टर्न, ठीक है, और ये दोनों दुश्मन हैं तो ये छोटे छोटे दुश्मन हैं, सब कॉन्ट्रारी हो जाएंगे, और डायगनली अपोजिट वालों को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो बात रहेगी याद, इससे आएगा क्वेश्चन। पता है क्या क्वेश्चन आएगा? चलो मैं एक क्वेश्चन अपने आप से बना के दे देता हूं। जैसे ये रहा, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टाइप का है, सम नॉट वाला है, तो सम नॉट वाले का हो जाएगा ओ टाइप, और ओ टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है देख लो ऊपर, ओ टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ए टाइप। तो ए टाइप को क्या बोलेंगे, अब इसको ए टाइप में कन्वर्ट करो भाई, इसको बनाओ ए टाइप जल्दी से, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट को ए टाइप में बोलेंगे, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सारे आदमी ईमानदार हैं, समझ गए? वेरी गुड। तो ए देने की बजाय सबको जवाब देना था, ऐसे जवाब दिया करो, समझ गए हैं आप लोग? ठीक है, यही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देगा, नो मैन इज ऑनेस्ट, नो मैन इज ऑनेस्ट, तो इसका पूछ लेगा सब अल्टरन, इसका सब अल्टरन बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, तुलंत बता दो। चलिए भाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। नो मैन इज ऑनेस्ट किस टाइप का है, ई टाइप का है, ई टाइप का सब अल्टरन क्या होगा, ई टाइप का सब अल्टरन होगा, सब अल्टरन पूछा है, कॉन्ट्रारी नहीं पूछा, कॉन्ट्रारी पूछे है मैंने, ई टाइप का सब अल्टरन। अरे बाबा रे, ई टाइप का सब अल्टरन, नो मैन इज ऑनेस्ट का सब अल्टरन, हाँ इसका छोटा बेटा, ये नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो इसका छोटा बेटा क्या होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ओ टाइप, तो ओ टाइप, ये देख लो ना, ई का सबाल्टर्न क्या है, ई का सबाल्टर्न ओ है, ओ क्या होगा, सम नोट, सम नोट वाला बोलेंगे, तो ये क्या होगा, सम मैन आर नोट ऑनेस्ट, तो क्या हो गया कसेरा साहब, कैसे गलती कर दी है, इजी, समझ आया, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आता है, इजी है, बहुत इजी है, ये तो धरा क्वेश्चन है भाई, फ्री फंड का, फोकट का, इसे फोकट क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ठीक, इनको गलत नहीं करना। इंडियन लॉजिक में आप लोगों को सबसे वीडियो बना के भेज दूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम, ये सारी चीजें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, देखो प्रमाण, प्रमाण में क्या होता है भैया, प्रमाण होता है सबूत किसी भी चीज का, ठीक। अब इसमें हमारे पास में प्रमाण में आ रहा है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज प्रमाण में, न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय के अनुसार क्या होता है भाई, देखो प्रमाता किसको कहते हैं, जो जानने वाला है, जानने वाला क्या होता है, प्रमाता, ठीक है, और जो ज्ञान है उसको ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज माने जिसको जानना है वो क्या होता है, प्रमेय,
ठीक। प्रमाण क्या होता है, सॉरी, प्रमेय, प्रमाता होता है जो जानने वाला है, जानने वाला, ठीक है, जानने वाला। ओके, प्रमेय, प्रमेय होता है जिसको जानना है, प्रमेय जिसको जानना है, जो जानना चाहते हो, जिसको जानना है प्रमेय, ठीक है। और क्या बचा, प्रमाण, प्रमाण माने जानने का रास्ता, कैसे जानोगे, जिससे जानोगे, वो हो गया प्रमाण, जिससे जानोगे किसी भी चीज को, जिससे जानोगे उसको क्या बोलेंगे, प्रमाण बोलेंगे। और जो जान रहे हो, समझ गए, जो जान रहे हो, जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, प्रमाण, ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रमाण, समझ गए। ओके, क्लियर। तो भाई साहब, प्रमाण में आपको, आप न्याय न्यूए ये सब नहीं पूछता है कि न्याय के अनुसार है, वैशेषिक के अनुसार है, मीमांसा के अनुसार, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बट एग्जाम में उस टाइप से नहीं पूछता है। एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट आपको देगा कि प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय क्या होता है ऐसे पूछेगा, और आपको ये चारों ऑप्शन दे देगा। अब आपको छाटना है कि प्रमेय क्या होता है, जिसको जानना चाहते हैं वो होता है प्रमेय, ठीक है। प्रमा माने, प्रमा माने जो ज्ञान है अपने आप में वो, हाँ, प्रमा मीन्स नॉलेज, वेरी राइट पांडे जी, ठीक है। तो प्रमा माने जो ज्ञान है वही, और प्रमेय होता है जिसको जानना है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि जैसे मुझे ये, मेरे सामने एक हॉट हॉट बोतल रखी है, क्या बोलते हैं इसको, ये गर्म रहती जो थर्मोस्टील वाली बोतल, ठीक है, मेरे को इसको जानना है, ठीक है। ये बोतल क्या हो गई, प्रमेय, ठीक है। मैं जानने वाला, मैं क्या हो गया, प्रमाता, मैं जानना चाहता हूं, मैं हो गया प्रमाता, ये बोतल हो गई प्रमेय, और जो मैं इसके बारे में जानूंगा, जो मुझे ज्ञान मिलेगा, वो हो गया प्रमा, ठीक, वो हो गया प्रमा। अब और क्या बच गया, प्रमाता हो गया, प्रमेय हो गया, प्रमा हो गया, प्रमाण, प्रमाण माने कैसे मैं इसके बारे में जानूंगा, मैं इसके बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा, बता भाई ये बोतल क्या काम आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रमाण, जिसके द्वारा जानूंगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका प्रमाण, समझ गए। जैसे मैंने इसमें गर्म पानी डाला, उस पानी को डाल करके रखा, फिर देखा, बाहर निकाला, गर्म ही निकला, इसका मतलब प्रमाण। तो प्रमाण क्या मिल गया, मिल गया मुझे कि गर्म पानी, वो गर्म पानी क्या है, इसका प्रमाण है, समझ गए, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद में प्रमाण कई टाइप का होता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अनुमान भी हो सकता है, उपमान भी हो सकता है, और शब्द भी हो सकता है। अब चारों का डिफरेंस यहीं पे देख लो, चलो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इधर ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा होता है, जो आपके सामने घटित हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इस बोतल में गर्म पानी डाला, और गर्म पानी को मैंने यहीं की यहीं चेक कर लिया, मेरे सामने ही मुझे पता चल गया, तो ये कैसा है, मैंने आंखों से देख लिया, ये कौन सा है, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, सेंसरी मैंने इस पे पूरा टेस्ट करके देख लिया मेरी सेंसेस से, तो ये कौन सा प्रमाण हो गया भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, समझ आई बात। दर्शन में, फिलोसफी में ये बातें तो पढ़ते हो। अगला है अनुमान प्रमाण, ठीक है, अनुमान। जैसे अब मुझे कहीं पे जो है धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, क्लासिक एग्जाम्पल है, हर किताब में वही मिलेगा, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने कह दिया भैया आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनुमान हो गया, मैंने आग तो नहीं देखी ना, लेकिन हाँ, लेकिन वहीं से मेरे को अनुमान हो गया कि भैया ये जो है आग लगी होगी तभी ये धुआं उठ रहा है, तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। उपमान में क्या होता है, उपमान मैंने पहले भी बताया था, कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब आए तेरा चांद सा चेहरा, ठीक है, तो चांद सा चेहरा, चांद के साथ में कंपैरिजन कर दिया, तो वो क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। तो हरियाणा में किसे तक कह दिया करें, जी, किसी को बुरा बोलना हो ना तो कह देते हैं ऐट बुंडी शक्ल के,
हालांकि शक्ल बुरी नहीं है लेकिन उसको बोल दिया गया है बुरी जगह, तो उसका मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन कर दिया कि भाई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक समझ गए, तो वो क्या हो गया अपने आप में उपमान, समझ गए जी। हाँ किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उपमान, उपमान से भी तो कई चीजों को जान जाते हैं हम, है कि नहीं। जैसे किसी ने कोई एक आर्किटेक्चर देखा और देखने के बाद बोला यार ये तो ताजमहल के जैसा था, तो सामने वाले को नॉलेज हो गई कि नहीं, उसको एक आइडिया आ गया कि नहीं, उसको नॉलेज हो गई कि अच्छा ताजमहल के जैसा था, ठीक है। हाँ तो दूसरे वाले आदमी को भी पता चल गया कि हाँ भाई ताजमहल के जैसा कोई चीज थी। अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट देखा हो, ठीक है, और वो ताजमहल देख के आ जाए तो वो तू कहेगा यार सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही है, ठीक है। तो बात समझ में आई, कई बार हम चीज को देखने की बजाय बस कंपैरिजन करके भी जान लेते हैं, समझ गए जी। जैसे वो कोई किसी की वो बहू देख का ग्रंथ बता नहीं दे भाई वो फलाने बहू उम्र की थी तो समझ गए वो सब क्या है, उपमान के एग्जाम्पल है। अगला है शब्द, शब्द को कहते हैं भैया वर्बल टेस्टिमोनी इंग्लिश में, और हिंदी में शब्द क्या जो प्रमाण है वो ऐसा है वेदों में जो लिख दिया, ठीक है। तो ऋषि मुनियों ने बड़ी रिसर्च के बाद सोच समझ के बाद है ना, तब जा करके वेदों में उपनिषदों में बड़ी रिसर्च करके वो बात लिखी है, तो हम उसको क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं कि वहां जो लिख दिया वो सत्य है, तो ये शब्द प्रमाण हो गया। जैसे जैसे अब हम रिसर्च के बाद कोई चीज लिखी हो तो हम देखेंगे उसको कहाँ पे देखेंगे, पबमेड पे देखेंगे हम उसको भैया, स्कोपस में देखेंगे, ठीक है, एल्सवेयर में देखेंगे, तो वहां पे अगर हमें चीज मिल जाए तो वो क्या है, शब्द प्रमाण है कि नहीं है बताओ, है ना। हम मानेंगे कि भैया ये बिल्कुल सही है, आप्त पुरुषों के शब्द, वेद ऋषि भाई ठीक कह रहे हैं, आप्त पुरुषों के शब्द भी क्या होते हैं, अपने आप में प्रमाण होते हैं। जैसे महात्मा गांधी कोई बात कह दे, महात्मा गांधी जी कोई कह दें कि भैया जो है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक, तो हम उनकी बात को डाउट थोड़ी करते हैं, हम मान लेते हैं ठीक है भाई आपने बोल दिया तो इसका मतलब होता ही होगा, ठीक है, अहिंसा सबसे अच्छी चीज होती ही होगी, सत्य का पालन करने से ये होता है। अगर किसी विद्वान ने बोल दिया तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे बीच में मोदी साहब कोई बात कह दे, देश का प्रधानमंत्री कोई बात कह दे, तो वो क्या होगा, शब्द प्रमाण होगा, उन्होंने बोल दिया हमने मान लिया, ठीक है जी मोदी साहब आप कह रहे हैं तो ये काम ऐसे होगा ही फिर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत नहीं बोल सकते, जब इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं तो वो किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। मान लो वो किसी विदेशी कॉन्फ्रेंस में गए और पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में जो शब्द उनके होंगे वो शब्द क्या होंगे, अपने आप में आप्त प्रमाण होंगे, इसको आप्त भी बोल देते हैं और शब्द भी बोल देते हैं, शब्द और आप्त एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गए भाई, प्रमाण प्रमा प्रमेय और प्रमाण के टाइप्स, ठीक है। तो चार्वाक दर्शन, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, चार्वाक दर्शन सिर्फ क्या करता है भाई, परसेप्शन को मानता है, ओनली परसेप्शन, माने जो देख लिया वो ठीक है, जो नहीं देखा वो सारे गलत, वो एक ही प्रमाण को मानता है, सेंसुअल वाला जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, ठीक है। चलिए तो सांख्य और योग की बात हो गई, मीमांसा में चारों एक्सेप्ट होते हैं, मीमांसा क्या मानता है, चारों को मानता है, लो पावर मोड, रुक लगाता हूँ चार्ज में, तो लो सॉरी, मीमांसा में क्या होते हैं, चारों प्रमाण माने जाते हैं, योग और सांख्य में सिर्फ तीन प्रमाणों को माना जाता है, ठीक है, इसको नहीं माना जाएगा अपना लास्ट वाले को, क्या बोलते हैं, शब्द प्रमाण को नहीं मानता सांख्य और योग, ये बात सब लोगों को पता ही है, योग वाले बच्चे तो सब जानते ही हैं, मैं भी क्या ही पढ़ाने लगा, ठीक है भाई, तो सबको पता चल गया। हाँ प्रत्यक्ष के फिर ये प्रत्यक्ष से आता है, अनुभव से स्मृति से दो टाइप होते हैं, तो ये बात पता ही है, मैं बताने की ज्यादा वो समझता नहीं। लौकिक अलौकिक सबको पता ही है भाई, अलौकिक क्या होता है, दिव्य होता है, जैसे वो अपने बागेश्वर धाम जी बोलते हैं ना
कि हमको तो दिव्य दरबार लगा है, सन्यासी बाबा का दिव्य दरबार लगा है, हमको तो सब दिव्य शक्तियां होती हैं, अलौकिक ये पराविद्या है, साइंस के पार की बात है। हाँ तो वो सारी चीजें क्या हो गई भाई, अलौकिक हो गई। ठीक है, बाकी जो साइंस से जाना जाए उसको क्या बोलते हैं, लौकिक। जो साइंस के पार की चीज है, साइंस जहां फेल हो जाती है, अलौकिक। ठीक है, डिवाइन पावर्स। तो अनुमान की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब ये लिंग विंग, लिंग से, लिंगी से, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, परमा परमेय से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। लिंग और लिंगी माने, लिंग होता है जो आपका साइन होता है ना। देखो, इन्फ्रेंस इज डिफाइंड, इन्फ्रेंस के बारे में बता रहा है, अनुमान के बारे में, कि अनुमान में लिंग लिंगी कार्य कारण होता है। समझ गए ना आप लोग, धुआं और आग। ठीक, तो लिंग लिंगी हो गया। तो चलिए भाई, तो पहले की जो आपकी नॉलेज थी उसको क्या बोल देंगे, लिंग। ठीक है, अनुमान के लिए जो आप पहले से जान रहे थे उसको क्या बोल देते हैं, लिंग। जैसे आपने पहले कहीं देखा हुआ है भाई, आग लगती तो धुआं निकलता है, तो वो लिंग हो गया। ठीक है, अब नया जो उससे निकल के आएगा, लिंगी हो जाएगा। ठीक है, लिंग से निकला हुआ लिंगी हो जाएगा, नया एक्सपीरियंस क्या होगा, लिंगी। जो अंदाजा आप लगा रहे हो लिंगी हो गया, पहले जो आप पता है वो लिंग हो गया। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज, बात समझ आई। चलो, उपमान मैंने बता दिया ऑलरेडी, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये दो चीजें और पूछी जाती हैं। तो अनुपलब्धि का मतलब तो भैया किसी चीज की उपलब्धि ना होना। ना होने से मतलब है जैसे आपके कमरे में कोई चीज हमेशा रखी रहती हो। ठीक है, कोई चीज हमेशा रखी रहती है, लेकिन किसी दिन वो चीज मिली नहीं, आप गए अपने कमरे में और आपको सामने वो चीज दिखी नहीं, तो आपको उसकी कमी महसूस होती है ना, उसी को कहते हैं अनुपलब्धि। यानी कोई चीज जनरल मॉडल होती है, कि पर्टिकुलर सिस्टम क्या अनुपलब्धि कहते हैं, यानी कि किसी चीज अनुपलब्धि है। जो उपलब्ध नहीं है, हाँ, जो उपलब्ध नहीं है लेकिन उसकी अनुपलब्धता फील हो रही है, हमें महसूस हो रही है। ठीक है, महसूस होगी तभी तो। यूं तो अनुपलब्ध तो बहुत सारी चीजें हैं, मान लो नहीं है, जैसे मेरे कमरे में मान लो सोफा नहीं है, वो नहीं है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो ये अनुपलब्धि सबकी नहीं है। अनुपलब्धि केवल उसी चीज की है जो जनरली मेरे कमरे में रहती है लेकिन आज नहीं है। समझ गए, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो कनेक्शन चेंज किया जाए क्या, लेट मी चेक, अगर हमारे पास दूसरा कनेक्शन अवेलेबल है तो उससे कर लेते हैं फिर। 1 मिनट का। आपको मेरी आवाज आ रही है? There is a break of 1 minute, right? I am changing the networks. क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं, और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।
ठीक है भाई, सबको आवाज आ रही है फिर से? ठीक से दिख रहा है सब? अभी सही आ रही है। ठीक है अच्छी बात है। तो इसी ब्रेक में हमने भी अपनी सारी शंकाएं दूर कर ली हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे। ना भाई छक्कड़ कोने कोने परला बोलूंगा, देख ले। चलिए भाई तो आगे बढ़ेंगे। सब लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है आई थिंक, और दिखाई भी ठीक दे रहा है। सो लेट अस मूव ऑन। अनुपलब्धि की बात यहाँ पर होती है खत्म। अनुपलब्धि आप लोगों को मैंने समझा दिया है। उसके बाद एक बात होती है अर्थापत्ति। ठीक है, अर्थ आपत्ति दो शब्दों से बना हुई है, अर्थ और आपत्ति। अर्थ में आपत्ति है यानी कि विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को कैसे समझेंगे? जैसे देवदत्त यहाँ पे ये बोल रहा है, देवदत्त इज अलाइव। देवदत्त क्या है? जिंदा है। एंड ही इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। जिंदा है लेकिन घर में नहीं है। तो हम क्या मानते हैं? वी प्रिज्यूम दैट ही इज एल्सवेयर। तो हमें पता है कि भाई साहब ये यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा। तो हमने अपने आप से इस बात को क्या कर लिया? प्रिज्यूम कर लिया। हमने अपने आप से क्या कर लिया? प्रिज्यूम कर लिया। हमें वास्तविकता का नहीं पता लेकिन हमने प्रिज्यूम कर लिया बिना सच्चाई जाने। हो सकता है भाई साहब चल बसे हो। ठीक है, हम किसी के घर पे गए, अपने किसी मित्र के घर पे गए, कई सालों बाद जा रहे हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद जा रहे हैं, कनेक्शन में भी नहीं है उस मित्र के, लेकिन उस मित्र के घर जाने पर जा गए तो हमने हमें वो दिखा नहीं, नहीं दिखा तो हमने सोचा भैया वो काम पे गया होगा, है ना, यही सोचेंगे ना हम। तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। तो उसी को कहते हैं प्रिजम्पशन या कहते हैं अर्थापत्ति। और सच्चाई क्या है वो तो उसके मिलने के बाद ही होगी। वो मिलता है कि नहीं मिलता है, कि क्या सिचुएशन है, वो बाद में पता चलेगी। लेकिन हमने पहले से जो प्रिज्यूम कर लिया, प्रिजुडिस नहीं कहेंगे इसको। देखो प्रिजुडिस होता है फॉल्स बिलीफ, प्रिजुडिस होता है निराधार। लेकिन यहां पर कुछ तो आधार है। ठीक है, प्रिजम्पशन कहेंगे इसको। हमने एजम्पशन किया लेकिन इस एजम्पशन का कोई ना कोई आधार है। आधार क्या है? जब भी हम उसके घर जाते थे तो वो हमें मिलता था, गेट पे वेलकम करने वही आता था। आज वो नहीं आया तो हमने सोच लिया कि किसी काम के लिए बाहर गया होगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे आधार है इसलिए इसको कहेंगे अर्थापत्ति या प्रिजम्पशन, प्रिजुडिस नहीं कहेंगे। देर इज डिफरेंस। समझ गए आप? तो ये अनुपलब्धि की बात भी हो गई भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इन्फ्रेंस में ही, अनुपलब्धि में ही, इसके बाद आ गया अनुमान। अनुमान के टाइप आ गए, व्याप्ति होता है, पक्ष धर्माता होता है। तो ये टाइप से मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बहुत अंदर की बातें पूछ रहा है तो वो नहीं पूछता है। हेतु कारण होता है भैया, सबको पता ही है हेतु कारण होता है। व्याप्ति ये सब, हाँ ये थोड़ा सा पूछ लेता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ये दे रहा है तो कह रहा है दिस हिल हैज फायर, एक माउंटेन है उस पे आग लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? प्रतिज्ञा है। तो बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि इस पर भैया धुआं है, तो धुआं क्या है? कारण है। धुआं ही तो कारण हो गया। ठीक है, हम इसी कारण से तो बता रहे हैं कि यहाँ पे फायर है। ठीक है, तो कारण हो गया हमारा हेतु। ठीक है, और उदाहरण वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, जहां भी भैया धुआं निकलता है वहां पे आग होती होती है। इसको क्या कहते हैं? उदाहरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा नई बात बता रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस हिल हैज स्मोक विच इज इन, भैया इस हिल पे भी स्मोक है। ठीक है, जो कि आग के साथ में एसोसिएटेड है। इसको क्या कह देते हैं? उपनयन। ठीक है, एक हमने उदाहरण दिया, फिर हमने उदाहरण में इस हिल का उदाहरण दिया, तो इस हिल के उदाहरण को क्या कहेंगे? उपनयन। और देयरफॉर यहाँ भी है, तो वो कारण के बाद में हमने जो अपनी बात को प्रूव किया उसको क्या बोलते हैं? निगमन। वीडियो कट रहा है क्या कहीं? अभी ठीक है? निगमन क्या होता है? जो हमने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, कंक्लूजन को कहेंगे निगमन। याद रहेगा? तो कुछ नहीं, आपके सामने बस स्टेटमेंट आएगी, आपने पहचानना है कि वो निगमन है, उपनय है, उदाहरण है, हेतु है, प्रतिज्ञा है, का है वो।
तो कछु अंतर ना है, ये बात आप लोग आराम से समझ जाएंगे। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति होती है ए स्टेट ऑफ परवेजन, इट इंप्लाइज ए कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट, दो चीजों के बीच में, कार्य कारण के बीच में जो संबंध बता रहा है, समझ गए? दो तथ्य हैं, दो फैक्ट हैं, उन दोनों के बीच में जो इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप को, उसको क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, एक होता है व्याप्य, एक होता है व्यापक। ठीक है, व्याप्य और व्यापक, और बीच में हो गई आपकी व्याप्ति। ठीक है, तो व्याप्त का मतलब आप समझते हैं ना, जो उसमें समाहित है उसको क्या कहते हैं? व्याप्त। ठीक है, समाहित होने को क्या कहते हैं? व्याप्त। तो बस यही एग्जाम्पल दोबारा से दे रहे हैं। कहाँ गए दोस्तों? ये रहा, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? क्लियर, ऑडिबल? ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो अब ये जो एग्जाम्पल हमने स्मोक और फायर वाला दिया, तो इसमें ये कह रहा है कि स्मोक क्या हिल गया क्या भैया? हाँ ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल हमने स्मोक और फायर और हिल वाला एग्जाम्पल किया, इस एग्जाम्पल में ये जो धुआं है ये व्याप्त है कि नहीं? फायर में, फायर में ये समाहित है कि नहीं है भाई? है ना, यही बात ये कह रहा है कि ये, क्योंकि जहां भी फायर होगी वहां पे धुआं होगा ही होगा, यानी कि आग में धुआं व्याप्त है। बात समझ गए? आग में धुआं व्याप्त है, तो जहां भी आग होगी धुआं होगा ही होगा। बात समझ गए? व्याप्ति समझ में आया? बस चलिए आगे बढ़ेंगे, खत्म। एक बचता है लास्ट आपका, व्याप्ति व्युक्ति के बढ़ते रहे एग्जाम्पल दे रहा है, व्याप्ति को छोड़ दो। व्याप्ति के बाद अगला आ रहा है हेत्वाभास। तो हेत्वाभास से बहुत बार प्रश्न आता है और आप गलत भी करके आते हैं, तो अब की बार हेत्वाभास का प्रश्न कोई भी व्यक्ति गलत करके नहीं आएगा। बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ लो, हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में अटेम्प्ट करना। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी देता है, वो ऐसी देता है कि भाई वो हिंदी में समझ में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में फिर अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट? ज्यादा संस्कृत कुछ लोगों को नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, हिंदी के कुछ टर्म्स नहीं आते, तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन, क्योंकि थोड़ा सा ही है, वन बाय वन मैं आपको इसको करा देता हूँ। हेतुआभास दो शब्दों से बना है, हेतु और आभास। ठीक है, हेतु प्लस आभास, दोनों को मिला करके क्या बन गया? हेतुआभास, यानी कि फैलेसी भी है और इन्फ्रेंस भी है। ठीक है, अब देखो इंडियन लॉजिक में फैलेसी को क्या कहते हैं भाई? हेतुआभास कहते हैं। ठीक, अब फैलेसी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक तो बात याद रखना, फैलेसी और हेतुआभास एक ही बात है, जहां भी आ जाए आपको। चलिए, इट मीन्स दैट द मिडल टर्म अपियर्स टू बी ए रीजन बट इज नॉट ए वैलिड रीजन। देखो, हम जो वो प्रीमाइसिस करते थे ना, P1 P2, फिर देते थे कंक्लूजन, है कि नहीं? तो उसमें यहाँ लास्ट में एक टर्म होती थी, इसमें पहले एक टर्म होती थी, और ये दोनों गायब हो जाती थी कंक्लूजन में। उसको क्या कहते थे? मिडल टर्म कहते थे कि नहीं, बताओ? इसको क्या बोलते थे? मिडल टर्म। तो यही ये बात ये कह रहा है कि मिडल टर्म जो है ना, वो होती है अपियर्स टू बी रीजन, वो कारण समझ में आती है लेकिन असल कारण नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। ऑल फैलेसीज आर मटीरियल फैलेसीज, वी हैव मेंशनड फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड मिडल टर्म। तो वैलिडिटी ऑफ द मिडल टर्म इज इंपॉर्टेंट। वैलिड मिडल टर्म के पांच गुण होते हैं, पांच धर्म होते हैं। अगर एक धर्म भी फॉलो नहीं कर रहा, अगर वॉयलेट कर रहा है, तो फिर वो फैलेसी क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पांच धर्म क्या होते हैं। पहला
पहला है असिद्ध। असिद्ध को क्या कहते हैं? साध्यासम, सध्यासम या असिद्ध, एसिड। तो एसिड क्या होता है? दिस इज फेलेसीज ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। आपकी जो मिडल टर्म है वो क्या है? प्रूव नहीं हुई। मिडल टर्म अगर प्रूव नहीं हुई तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड। सिद्ध क्या होता है? प्रूव्ड। एसिड क्या होता है? अनप्रूव्ड। बात समझे? अगला अगला है सव्याभिचार। सव्याभिचार क्या होता है? दिस इज फेलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल, यानी कि जो आपकी जो मिडल टर्म है वो क्या है? रेगुलर नहीं है। मिडल टर्म इज नॉट रेगुलर। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया था कि जो प्रीमाइस वन है इसके जस्ट बाद अगले में पहले क्या आनी चाहिए? वो मिडल टर्म आनी चाहिए। इसके लास्ट में आनी चाहिए, इसके पहले में आनी चाहिए। तो अगर ये रेगुलर नहीं रहेगा तो आपके वो कंक्लूजन इनवैलिड होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, समझ गए? तो ये अगर इरेगुलरिटी है तो वो क्या हो जाएगा? सव्याभिचार। अगला देखो सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष क्या होता है? मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाई अनदर मिडल टर्म। एक मिडल टर्म जो हमारी है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसके साथ में, यानी दोनों सेम नहीं है। मिडल टर्म दोनों सेम नहीं होंगी तो भैया विरोधाभास होगा, और इसी को कहते हैं सत प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष क्या होता है? उल्टा। प्रतिपक्ष क्या होता है? उल्टा। विपक्ष या प्रतिपक्ष एक ही बात है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी प्रतिपक्ष है एक दूसरे के, है ना? अभी सेंटर में पावर में कौन है? बीजेपी। कांग्रेस क्या हो जाएगा इसका? प्रतिपक्ष। समझ गए? चौथी बात बाधिता। बाधिता का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है? इट इज द नॉन इन्फ्रेंशियलिटी कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। नॉन इन्फ्रेंशियलिटी होती है कि ये इन्फ्रेंस में ही नहीं आ रही। जैसे हमें हमने दो टाइप के इन्फ्रेंस पढ़े थे, आपको याद हो तो, इमीडिएट इन्फ्रेंस पढ़ा था एक, तो इमीडिएट इन्फ्रेंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे हम कहते हैं कि ऑल टेबल्स आर चेयर, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ठीक है? तो इसका इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि सम टेबल्स आर चेयर तो वो ट्रू है कि नहीं है? सम टेबल्स आर चेयर ट्रू होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से बताओ, येस और नो? ऑल टेबल्स आर चेयर है तो सम टेबल्स आर चेयर सही है कि नहीं है? सही, ठीक है? हाँ, तो वो क्या होता है? इन्फ्रेंशियल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह दूं ऑल टेबल्स आर चेयर दे करके मैं ये कह दूं कि सम टेबल्स आर नॉट चेयर, सम टेबल्स आर नॉट चेयर, तो वो इन्फ्रेंशियल होगा कि नॉन इन्फ्रेंशियल होगा, जल्दी बताओ? नॉन इन्फ्रेंशियल, ठीक है? तो ऐसा होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बाधित बोलेंगे। अगला है विरुद्ध। विरोध होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल हो, आपका जो मिडल है मिडल टर्म जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो फिर क्या हो जाएगा? विरुद्ध हो जाएगा। अभी देखो आपको एग्जाम में हेत्वाभास से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, कोई बात ज्यादा नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि हेत्वाभास होता क्या है, ठीक है? जिसमें मिडल वैलिड मिडल टर्म अगर ना हो तो उसको मतलब आप जो फेलेसी है, फेलेसी को क्या बोलते हैं? हेत्वाभास बोलते हैं। और ये सारी क्या होती है? मटेरियल होती है, और पांच इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैलिड होने के। अगर एक भी नहीं होगा तो सारे वो हमारी क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है? आपसे बस इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। पांचों में से यदि आपको दे दिया, सुनो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया, यदि कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल है तो विच टाइप ऑफ फेलेसी इट इज, जल्दी बताओ? कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल है तो कौन सी फेलेसी है? ये विरुद्ध, ठीक है? इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया? फेलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल दे देगा। इरेगुलर मिडल है तो कौन सी फेलेसी है? सव्याभिचार, समझ गए? बस आपको टाइप दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से टाइप की है, आपने बता देना, नाम बताना है बस। इतना सा ही प्रश्न आएगा हेत्वाभास से।
डन। तो इंडियन लॉजिक यहां पे होता है आपका कंप्लीट। और आपके षड दर्शन आपको पता ही है कौन से होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, वेद को मानने वाले। ठीक, वेद को मानने वाले आपके होते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक का मतलब ये नहीं है भगवान को मानने वाले, आस्तिक का मतलब है वेद को मानने वाले। ठीक, आस्तिक दर्शन 6 होते हैं। नास्तिक दर्शन आपका बौद्ध जैन चार्वाक, तीनों क्या है, नास्तिक है। ये तो योग वालों को पता ही है ना, नास्तिक में बौद्ध जैन और चार्वाक तीनों क्या है, नास्तिक दर्शन है। वेदों को नहीं मानते, भगवान को तो मानते हैं वो, लेकिन वेदों को नहीं मानते। खत्म हो गया भाई। ठीक है, अभी देखो इन्फ्रेंस के कोई क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, तुरंत इंडियन लॉजिक समझ में आ जाएगा। हाँ, ऋचा आर्या जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन कोई भी करके देख लेते हैं। चलो एक इस पे आ जाओ। द मिडल मेजर टर्म इज द, मेजर टर्म कौन सी होती है, मैंने बताया था आपको मेजर टर्म कौन सी होती है, जल्दी बताओ। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, तीनों बताई थी। मेजर टर्म किसको बोलेंगे, जल्दी से जवाब देंगे। कंक्लूजन से एसोसिएटेड है हमेशा मेजर टर्म, माइनर टर्म किससे किससे एसोसिएटेड होती है, कंक्लूजन से एसोसिएटेड होती है। कंक्लूजन बताएगा कि मेजर है कि माइनर है। ठीक है, तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, मेजर। समझ गए, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। हाँ, तो प्रेडिकेट क्या होता है, मेजर, और सब्जेक्ट क्या होता है कंक्लूजन का, माइनर। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन क्या होता है, माइनर, माइनर टर्म। ठीक है, माइनर टर्म, और प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन मेजर टर्म। ठीक है भाई, क्योंकि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कहा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। उसको जो कहा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। समझ गए, जैसे ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ये हमारा मान लो कंक्लूजन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कंक्लूजन। ठीक है, तो अब बताओ मेजर टर्म क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दो। मेजर टर्म बताओ, चेयर्स। ठीक है, सब बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हुई बात यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन। ये 101 ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 101 करो भाई जल्दी से, 101 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, पूछा जाएगा। अभी भी लिखवा लो मेरे से, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इन चारों में से फैक्ट होता है, एडवाइस होता है, ओपिनियन होता है, प्रिजुडिस होता है, एक पेपर में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे संबंधित। एग्जाम्पल हो सकता है कुछ और मिले, यहाँ पे तो डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश शुड हैव रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन इंग्लिश भाषा के पतन में रिजल्ट होना था। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, जल्दी से बता देंगे। अंतर में आप लोगों को चारों का यही बता दूंगा। हाँ, सी, सब लोग सही बता रहे हैं। सी का मतलब है ओपिनियन। ठीक, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। देखो फैक्ट होता है स्टैटिक, कभी नहीं बदलता, फैक्ट हमेशा सत्य होता है। फैक्ट क्या होता है, सत्य। अच्छा, उसके बाद प्रीजुडिस। प्रीजुडिस भाई साहब गलत बिलीफ को कहते हैं, रॉन्ग बिलीफ, फॉल्स बिलीफ विदाउट लॉजिक, फॉल्स बिलीफ विदाउट लॉजिक। ओपिनियन, आपका ओपिनियन जो है ना वो किसी ना किसी, मतलब आपके अंदर से निकल करके आता है आपका, मतलब क्या कहते हैं, बिलीफ के जैसा होता है। ठीक है, बिलीफ आंतरिक चीज हो गई, लेकिन ओपिनियन आपका सोची समझी, ओपिनियन आपने क्या किया, सोची समझी आपकी एक एडवाइस ही कह सकते हो, सोची समझी राय कह सकते हो। ठीक है,
अब देखो राय क्या होती है, एडवाइस में और ओपिनियन में क्या अंतर है। एडवाइस मैंने कहा था कि एडवाइस जो है आप बिना मांगे भी दे देते हो, एडवाइस आप बिना मांगे भी दे देते हो, बिना मांगे दे देते हो, ठीक है। लेकिन ओपिनियन कब देते हो आप अपना, जब कोई पूछता है भैया तू अपना ओपिनियन दे, तब आप अपनी ओपिनियन देते हो, समझ गए। तो एडवाइस बिना मांगे दे देते हो, ओपिनियन मांगने पे देते हो, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ फैक्ट तो इन्वॉल्व रहता है, समझ गए, ठीक है। हाँ राय, तो कुछ होते हैं मिस्टर राय सिंह, राय साहब, जो बिना बात के अपनी एडवाइस देते रहते हैं, तो ऐसे राय साहब। चलिए भाई आगे बढ़े। ओके, ये डिफरेंस हमने आपको ऑलरेडी करा भी दिया था। ओके, नेट का एग्जाम क्या टेस्ट करता है भाई साहब, वो सब हो गया है, इन सब बातों को नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगता है वो कर लेते हैं। सर्टेनिटी इज, सर्टेनिटी, कोई काम 100% होना है, ठीक है, तो सर्टेनिटी को क्या बोलते हैं। 124, क्वेश्चन नंबर 124, सर्टेनिटी क्या होती है, लॉजिकल होती है। चलो वैसे ही बता देता हूँ, सर्टेनिटी क्या होती है, लॉजिकल होती है। लॉजिक के बेस पे ही तो हम उसको पक्का करेंगे, ठीक है। विदाउट लॉजिक कोई चीज पक्की नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, ये ऐसा एक एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा ही आएगा भाई। तो हम कर लेते हैं ये वाला 140th क्वेश्चन करेंगे। कंक्लूजन वन फॉलो करता है कि टू करता है कि दोनों करते हैं, जल्दी से बताओ। पहली लाइन है ऑल पोइट्स आर इंस्पायरिंग, 140th क्वेश्चन करके, 140th, 140th क्वेश्चन करेंगे। ऑल पोइट्स आर इंस्पायरिंग, सेकेंड इज ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग, ठीक है, जल्दी से बता दो। देखो भाई, सबसे पहले सोल्व करने के लिए, ये क्या है, ए है मान लो, इंस्पायरिंग क्या है, बी है मान लो, तो आर्टिस्ट क्या है, सी, और ये इंस्पायरिंग फिर से क्या हो गया, बी। तो हमारी टर्म पहले कैसे हैं, ए टू बी और सी टू बी हैं, पहले तो इनको हमें बनाना पड़ेगा ए टू बी और बी टू सी, सो दैट मिडल टर्म चली जाए और ए टू सी हमारे पास लेके आ जाए। बात समझ आई कि नहीं, तो इसको पहले करेंगे रीअरेंज। रीअरेंज अरेंज करने पे हमारे पास आता है ए टू बी, हो गया अपना ऑल पोएट्स आर इंस्पायरिंग, ठीक है। सेकंड अपने पास बन जाएगा बी टू सी, तो बी टू सी बनाओ जल्दी से, इसका उल्टा बनाओ, ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग, इसका उल्टा कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ। इमीडिएट इन्फ्रेंस लेना पड़ेगा, इनवर्स करो इसको, ऑल इंस्पायरिंग आर्टिस्ट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सम इंस्पायरिंग, ठीक है, सम इंस्पायरिंग आर आर्टिस्ट, ठीक है, बात समझ आई। अब हो गया भाई, ए टू बी और बी टू सी हो गया, मिडल टर्म आ गई। अब ये क्या हो गया, ये कौन सी टाइप है ऊपर वाली, ए टाइप, ये कौन सी टाइप है, ए टाइप, नीचे वाली कौन सी टाइप है, आई टाइप, और ए प्लस आई क्या होता है, ए प्लस आई तो कुछ होता ही नहीं भाई, ए प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तो ए प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, तो आर्टिस्ट और पोएट्स एक साथ होंगे ही नहीं भैया, कंक्लूजन वन फॉलो कैसे कर जाएगा, आर्टिस्ट और पोएट एक में हो ही नहीं सकते जब कंक्लूजन नहीं आ रहा। तो सेकंड कह रहा है सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट,
अब फिर से इंस्पायरिंग पर्सन्स ये रहे, आर्टिस्ट्स ये रहे, तो यहाँ पे सेकंड में क्या है कि सम इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट। तो हो सकता है भैया कि कुछ इंस्पायरिंग पर्सन्स आर्टिस्ट हो और कुछ हो सकता है ना हो, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर हमें इनमें से किसी की भी श्योरिटी नहीं है। दोनों बातों में से हो सकता है भैया ये बात सही भी, और हो सकता है कि ऑल इंस्पायरिंग पर्सन्स आर नॉट आर्टिस्ट, ये भी बात नहीं, ऑल तो नहीं हो सकते, ऑल इंस्पायरिंग तो आर्टिस्ट नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं, ऑल ऑल आर्टिस्ट हो सकते हैं, समझ गए आप? तो सम नॉट का क्वेश्चन तो नहीं बनता, तो दोनों के दोनों नॉट फॉलो, नो कंक्लूजन। समझ में आया? सेकंड वाला भी समझ में आया, पहला तो चलो सबको समझ में आ गया, दूसरा समझ में आया, दूसरे वाला समझ में आया? हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बस ऐसे ही आएंगे लॉजिकल रीजनिंग से, अब वो इंडियन लॉजिक पे आ जाते हैं, थोड़ा एतवाबास के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये सब। तो अदर्शन रीजन तो कर ही लोगे आप। अदर्शन रीजन में एक चीज मैंने हमेशा बोली है, पहले पढ़ेंगे रीजन, पहले क्या पढ़ेंगे रीजन, रीजन के बाद देयर फॉर लगा लेना, इसके पहले लगा लेना बिकॉज, रीजन पढ़ने से पहले लगाना बिकॉज। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखो ऐसे पढ़ना है, बिकॉज एज ए यंग मैन ही वॉज क्वाइट लिबरल एंड टॉलरेंट बट बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एज ही मेच्योर्ड। देयर फॉर, इसके बाद लगाएंगे देयर फॉर, देयर फॉर अकबर एबोलिश्ड जिया इन 1564 बट री इम्पोज इट सब्सिक्वेंटली। ठीक है, बात समझ आई? रीजन को पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे अदर्शन को, और तब निकलेंगे कंक्लूजन की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम्पल तो आएगा नहीं, एग्जाम्पल तो बतेरे पड़े हैं, आ जाए तो आ भी जाए। ठीक है, बुक के तो कमी देता है, वो अपने बनाएंगे। चलिए, कहाँ गया इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन कहाँ है, हम तो कुछ इतना बात करना चाह रहे थे, कहाँ है भाई इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिए, आप लोगों को भी नहीं दिखे क्या? इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक नहीं है भाई, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस बुक में नहीं है तो किसी और बुक से कर लेंगे। आप लोगों को कहीं इंडियन लॉजिक का कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो बता देना, इजी है इंडियन लॉजिक, नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम। डीआई हम लोग नहीं करेंगे, डीआई लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डीआई में भाई साहब ये पाई चार्ट होता है, ठीक है, और जो ऊपर आया था वो हिस्टोग्राम था आई थिंक, ठीक है, बार चार्ट हिस्टोग्राम देखो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आ सकता है, बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए, इजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो परसेंटेज निकालना सब लोगों को पता ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आईसीटी हम लोगों ने अभी रिसेंट में पढ़ा था, तो हम दोबारा से आईसीटी स्टडी नहीं करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ये आ गए क्वेश्चंस, ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आईसीटी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आईसीटी के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे रैंडमली, एट रैंडम वी विल ट्राई, और देखते हैं आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। कल होने वाला है एग्जाम, तो आज आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? सूर्या सर, यस सर, वो सर 10 मिनट्स का आप भी ब्रेक ले लो, सबको ब्रेक दे दो सर। सर भोजनम भोजनम की कोई बात नहीं, वो हम भोजन अब क्लास के बाद ही मैया करेंगे। मैया आपको लेकर के काफी इमोशंस में हो जाती हैं सर। अरे कोई यस बात ही सर, नहीं है, ओके कोई सर, इशू नहीं है ना, तो मैया को कह दीजिए कि आज जो है भोजन, बालकों का कल हमारे एग्जाम है, तो हम बस तैयारी करवा देवे, हमारा फर्ज है सबके साथ में जुड़े रहना, और उनका कल अच्छा हो जाएगा तो हम समझेंगे कि सफल हो गए हमारा प्रयास। हैड्स ठीक ऑफ टू है, यू सर, 1 यूनिट ऑफ कर लो सर। धन्यवाद यस जी, सर, ओके। चलिए जी।
तो बाल को आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग को ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता हूँ, सो दैट ये अलग से अपलोड हम कर दें। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट।